नमस्कार साथियों, आज अपने बात करते हैं दूध के बारे में। तो दूध में जो जो प्रश्न आते हैं वो कहाँ से आते हैं, तो सबसे पहले विश्व के अंदर भारत का दूध उत्पादन में स्थान कौन सा है भी? तो विश्व के अंदर भारत का जो दूध उत्पादन में स्थान है वो है भी पहले स्थान पर भारत है, क्योंकि ये श्वेत क्रांति जो डॉक्टर वर्गीस कुरियन थे, जिनके जनक थे भी श्वेत क्रांति के, 1970 के बाद भारत विश्व में दूध उत्पादन में प्रथम स्थान पर है भी। तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन के कारण क्या है, जिसको श्वेत क्रांति के पिता के नाम से भी जाना जाता है, उनकी देन से आज भारत क्या है, विश्व में प्रथम स्थान पर है भी। तो उसके साथ जो भारत का 21 और 22 के अंदर जो कुल दुग्ध उत्पादन हुआ था वो कितना था भी, 221.06 मिलियन टन क्या है दुग्ध उत्पादन हुआ था भी। जो 21 और 22 के अंदर जो कुल दुग्ध उत्पादन था भारत का वो था भी 221.06 मिलियन टन दूध उत्पादन हुआ था भी। उसके बाद है भारत में सर्वाधिक उत्पादन वाला राज्य कौन सा है भी? भारत के अंदर सर्वाधिक उत्पादन दुग्ध उत्पादन वाला राज्य है प्रेजेंट के अंदर राजस्थान है, जो पहले स्थान पर है, जो राजस्थान पूरे भारत का 15.5% क्या है दूध का उत्पादन करता है भी। दूसरे नंबर पे यूपी है, और उसके बाद भारत में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति कितना दूध उपलब्ध होता है भी, वो होता है भी 444 ग्राम प्रतिदिन प्रति व्यक्ति को पूरे भारत के अंदर क्या है दूध उपलब्ध होता है 444 ग्राम। उसके बाद आता है भी सर्वाधिक जो दूध उपलब्धता वाला राज्य कौन सा है भी? सर्वाधिक जो दूध उपलब्धता वाला राज्य है वो है भी हरियाणा भी। जो हरियाणा राज्य है उसके अंदर सर्वाधिक दूध प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दूध मिलता है वो हरियाणा के व्यक्तियों को मिलता है भी। उसमें जो 1118 ग्राम प्रतिदिन प्रति व्यक्ति हरियाणा के जो राज्य के व्यक्ति हैं उनको मिलता है, इसीलिए हरियाणा में पहलवान ज्यादा है, क्योंकि वो दूध की मात्रा वहां ज्यादा है और दूध ज्यादा पीकर पहलवानी करते हैं भी। उसके बाद राजस्थान में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति जो दूध की उपलब्धता है वो होती है भी 904 ग्राम भी। प्रतिदिन प्रति व्यक्ति राजस्थान के जो व्यक्ति है वो 904 ग्राम प्रतिदिन दूध पीती है भी। उसके बाद सबसे कम है जो दूध उपलब्धता वाला राज्य है वो है भी दिल्ली, जो जिसमें प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पीने के लिए दूध बहुत ही कम मिलता है, वो मिलता है भी 8 ग्राम। दिल्ली के जो निवासी है उनको प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 8 ग्राम ही दूध मिल पाता है भी। सबसे ज़्यादा हरियाणा में मिलता है लगभग 1118 ग्राम, और सबसे कम मिलता है वो दिल्ली के राज्यों के जो व्यक्ति है उनको मिलता है भी 8 ग्राम। उसके बाद भारत के कुल दूध उत्पादन में भैंस का जो योगदान है वो है भी लगभग आपके 52% भी। जो भैंसे हैं भारत के अंदर, भैंसों की घर कहा जाता है भी, भैंसों का घर भारत को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ भैंसे सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है भी, दुधारू भैंसे। इसमें 52% जो योगदान है दूध के अंदर है वो भैंसों का है भी। 52% भैंसे दूध कुल दूध में उत्पादन में अपना हिस्सा या योगदान है देती है भी। उसके बाद भारत की जो कुल दूध उत्पादन है उसमें जो गायें हैं वो लगभग 45% क्या है दूध के अंदर उत्पादन में अपना क्या योगदान है देती है भी। तो 45% गायों का दूध उपलब्ध प्राप्त होता है, 52% भैंसों का होता है भी। इसके साथ साथ तीसरी जो पशु है वो आता है भी बकरी। जो बकरी है, बकरी का जो दूध उत्पादन है वो लगभग 3% क्या है पूरे दूध के अंदर अपना योगदान है देती है भी। तो इसी प्रकार दूध के जो महत्वपूर्ण जो तथ्य थे वो मैंने आपको बताए हैं। ये तथ्य आपके जेट सुपरवाइजर कंपटीशन के एग्जाम है, ICR, आपके यूपी के, महाराष्ट्र के, इन सभी दिल्ली में जो भी एग्रीकल्चर कंपटीशन के एग्जाम होते हैं उनमें ये प्रश्न पूछे जाते हैं भी। तो इन प्रश्नों को याद करना, बढ़िया से तैयार करना, जो किसी कंपटीशन के अंदर आए तो ये गलती ना हो सके। तो वीडियो कैसे लगी इसके बारे में आप कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना।
तो इसी प्रकार आप कमेंट करके भी बता सकते हो, शेयर भी करना, और वीडियो सब्सक्राइब, वीडियो से सब्सक्राइबर भी क्या है बढ़ाना मेरे साथियों।